पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक रमेश मेंदोला आमने सामने हो गए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को छोड़ेंगे नहीं, बातों की बजाय लातों से हिसाब लेंगे। जिस पर बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। देखिए एक खास रिपोर्ट। ऐसे लोग जो अपना मान सम्मान अपने आप को समर्पित करता है आर्थिक दृष्टिकोण से, इनको बातों से समझाना चाहिए, और जो बातों से नहीं माने उनको लातों का उपयोग भी करना चाहिए, उनको लातों का उपयोग भी करना चाहिए। अब ये उनकी सोच का दिवालियापन है। जो बिके हुए लोग हैं इनको सबक सिखाने का उनका दायित्व है। कांग्रेस के नेताओं को उनके विचारों के बारे में सोचना चाहिए और वो पार्टी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्व जो उनको भड़काने का काम करते हैं, गुंडागिर्दी करने का काम करते हैं, ऐसे बिके हुए लोगों को बातों से समझाओ, अन्यथा कहावत है, जैसी कहावत है वैसा कर। कांग्रेस के नेता ही लोग उन पर कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन सांवेर सबसे हॉट सीट बनी हुई है। सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट के सर पर बीजेपी जीत का सहरा बांधने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस उन्हें हराकर सबक सिखाना चाहती है। तो ये सब बातें इस प्रशासन को अवगत कराना हमारा दायित्व है। सांसद हमारा घोड़े पे बैठ के प्रचार करता है, मंत्री हमारा घोड़े पे बैठ के प्रचार करता है, और प्रशासन अंधा हो गया तो आप अंधे कैसे हो रहे भाई? आपने घोड़े पे बैठने वाले के खिलाफ FIR क्यों नहीं की? सांसद पहले यहाँ का नागरिक है कि पहले सांसद है? मैं आज विधायक हूँ, मंत्री रहा, तो पहले मैं एक इंसान हूँ, नागरिक हूँ, या इंदौर शहर का एक बेटा हूँ, उसके बाद सारे पद आते हैं। तो प्रशासन अंधा क्यों होता है, ये सवाल है। तो ये सब बातें हमने की है और ये कहा है कि अगर आपका इसी तरीके से रवैया रहा तो हम आगे लोकतांत्रिक तरीके से आप गरीबों के साथ खड़े रहेंगे, दुकानदारों के साथ खड़े रहेंगे, व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। बिजली का बिल आता है, नौकरियों की तनख्वाहें देनी पड़ती है, आपके दूसरे काम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने हैं वो आते ही हैं, और फिर भी आप इनकी प्रोसेस को करेंगे नहीं और हठधर्मिता करेंगे। तो आप कोई नीतिगत फैसले ऐसे लो जिससे लगे कि सरकार व्यक्ति नागरिकों के लिए, जनता के लिए, ऐसा नहीं लगे कि ये तानाशाह की बैठी हुई सरकार है। और तानाशाह की अगर बैठी हुई सरकार है तो लट लेना विपक्ष का धर्म है, वो लेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में है और बड़े अच्छे से उसमें हम लगे। जीतू पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाले विधायकों को लेकर आह्वान किया कि बिके हुए लोगों को सबक सिखाना है, जो बातों से नहीं समझे उन्हें लातों से समझाएंगे। वहीं जीतू के इस बयान को विधायक रमेश मेंदोला ने जीतू की सोच का दिवालियापन करार दिया और कहा कि ऐसे असामाजिक तत्व लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अपना मान सम्मान और अभिमान के साथ अपनी नैतिक दायित्व को खो देता है या अपने आप को समर्पित करता है आर्थिक दृष्टिकोण से, इनको बातों से समझाना चाहिए, और जो बातों से नहीं माने उनको लातों का उपयोग भी करना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधियों को कांग्रेस के कार्यकर्ता या बीजेपी के कार्यकर्ता, जो बिके हुए लोग हैं इनको सबक सिखाने का उनका दायित्व है। अब ये उनकी सोच का दिवालियापन है और कांग्रेस के नेताओं को उनके विचारों के बारे में सोचना चाहिए और वो पार्टी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्व जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, गुंडागिर्दी करने का काम करते हैं, तो उन पर कांग्रेस के नेता ही लोग उन पर कार्रवाई करना चाहिए। कुल मिलाकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी एक बार फिर अपने बयानों से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।